हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, आज से हमने स्टार्ट किया है यूपी जीके का लाइव मॉक टेस्ट दोस्तों। और ये लाइव टेस्ट नंबर 1 है दोस्तों, और ये बेसिकली यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए है दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट की हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड की हो, चाहे लेखपाल की हो, चकबंदी लेखपाल, सभी छात्र देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यूपी जीके सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है यूपी वैकेंसी में, चाहे यूपी एसआई वगैरह की वैकेंसी हो। तो आज लाइव टेस्ट नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। आप लोग अगर पसंद आए तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि हम कंटिन्यू ऐसे ही डेली लाइव मॉक टेस्ट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप यूपी के एस्पिरेंट हैं, यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीएससी, यूपी एसआई, इन सब वैकेंसीज में अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए एक मास्टर नोट्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसकी कीमत मात्र 59 रुपीज है, बहुत कम कीमत में आपको 400+ पेज का एक मास्टर नोट्स मिल रहा है। इसमें 4000+ एमसीक्यू दिए गए हैं दोस्तों, साथ साथ मैथ रीजनिंग के सोल्यूशन के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक दिए गए हैं, 20 फ्री मॉक टेस्ट दिया गया है, प्रीवियस क्वेश्चन सारे डाले गए हैं, प्रैक्टिस सेट है, ये बाइलिंगुअल बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में सारे क्वेश्चन डाले गए हैं। तो सभी छात्र, चाहे जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो यूपी ट्रिपल एससी की, राजेश लेखपाल, चकबंदी लेखपाल या यूपी पीएससी, सभी छात्र खरीद सकते हैं। और स्पेशली जूनियर असिस्टेंट के लिए भी अलग से बुक है, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे, इसका भी लिंक मिल जाएगा, जाइए जल्दी से परचेज करके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों। इस तरीके से जूनियर असिस्टेंट का है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, कनिष्ठ सहायक भर्ती वाले स्पेशली इसको खरीद सकते हैं, लिंक सारे रीड करके पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। तो आज हमने यूपी जीके का जो टॉपिक है वो है यूपी हिस्ट्री से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हर टेस्ट में कोई ना कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, उससे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और हम प्रीवियस क्वेश्चन ये भी सॉल्व करें जितने भी आगे एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए यहाँ पर, छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, पहला क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर क्या है? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद थे, ठीक है। अगला है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, पूर्व में यानी पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, यूपी पीएससी 2013 में पूछा गया था। यहाँ पे साइड में लिखा रहेगा कि किस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपको इंपॉर्टेंस पता चले कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर से, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था दोस्तों, जी हाँ, ठीक है, ए ऑप्शन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी यूपी से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यहां पर से, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो 4 का राइट आंसर कॉमेंट कर सकते हैं आप सभी लोग, आंसर भी करते रहें साथ साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, सारनाथ, ठीक है, सारनाथ में स्थित है। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेघ यज्ञों का विवरण किस लेख में मिलता है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, अयोध्या लेख, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का विवरण प्रदेश के किस खेल लेख में मिलता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, इलाहाबाद लेख में। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए दिल्ली डिवीजन उत्तर पश्चिम प्रदेश से किस सन में अलग हुआ, अलग किया गया, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यहां पर सही है, 1858 ईस्वी में, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, 1937 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए से ही हो जाएगा दोस्तों, 1937, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए 182 ईसा पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मेंडार्टर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था, 9 का उत्तर दीजिए फटाफट आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा साथियों, मथुरा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उत्तर प्रदेश में चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? 10 का राइट आंसर दीजिए फटाफट। चलिए आगे देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सही है दोस्तों, 1194 ईस्वी में हुआ था चंदवार का युद्ध। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर उत्तर प्रदेश में, प्रदेश का है मतलब यहाँ पर उत्तर प्रदेश से है। 11 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी सही है, 1527 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका जो सही उत्तर है कॉमेंट करें आप सभी छात्र, 12 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सही है, बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, उत्तर प्रदेश में कालिंजर 1202 ईस्वी से 1203 ईस्वी के मध्य का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो 13 का राइट आंसर दीजिए, उत्तर प्रदेश में कालिंजर का युद्ध हुआ था तो बताना है किनके मध्य हुआ था, 13 का राइट आंसर दीजिए, ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है जल्दी कमेंट करें आप लोग, जी हाँ 13 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है देखिए, प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? 14 नंबर का सही उत्तर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, जी हाँ 14 नंबर का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी सही है, 1526 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? 15 का राइट आंसर दीजिए, देखिए मैं हम लोग टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो को जल्दी बना रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा वीडियो बने आपका, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएं, सॉरी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें। देखिए UPSC 2004 में पूछा गया था यह प्रश्न, 15 नंबर का सही उत्तर क्या है, 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी से हो जाएगा दोस्तों, सिकंदर लोधी ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? 16 का सही उत्तर दीजिए, 16 नंबर का राइट आंसर क्या है फटाफट कमेंट करें, 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, कन्नौज और प्रयाग, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सारे UPPCS में पूछे गए थे तो UPPCS वाले के तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है, कुशीनगर या कुशीनार, ठीक है, वर्तमान में कुशीनगर है ये, किसकी राजधानी थी बताना है 17 का राइट आंसर, जी हाँ 17 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, मल्लों की राजधानी सी कुशीनगर, जो अब वर्तमान में कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था बताना है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर, 18 का सही उत्तर दीजिए फटाफट, 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी से है दोस्तों, कुशीनार में। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन अगर आपको रिवीजन करने के लिए चाहिए पीडीएफ फाइल इसका, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जितने भी सेशन होंगे उनके पीडीएफ फाइल वहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, ठीक है, 19 का राइट आंसर दीजिए फटाफट, जी हाँ 19 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वह स्तूप स्थल जिनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं हो रहा है, तो बताना है 20 का राइट आंसर, ठीक है 20 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, सांची का जो स्तूप है ये अशोक से संबंधित है, ठीक है, ना कि भगवान बुद्ध से है। अगला प्रश्न है देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? 21 का राइट आंसर दें आप लोग, ये यूपी लोअर पीसीएस 2007 में पूछा गया था, UPSSC के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, प्रयाग में, ठीक है प्रयाग में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से किन स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की है बताना है, 22 का सही उत्तर दीजिए फटाफट, बाईस नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, अयोध्या और हरिद्वार का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, चार ऑप्शन नीचे है, बताइए जल्दी क्वेश्चन नंबर
थ्री का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए से ही, वाराणसी में हुआ था पार्श्वनाथ का जन्म। अगला प्रश्न है देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 देखिए क्या करा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज का कहा जाता था, बताएं। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। जी हाँ, 24 नंबर का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी, यहाँ पर सही हो जाएगा बिल्कुल जौनपुर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, देखिए सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था, बताएं। 25 का सही उत्तर दीजिए, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था, 25 का राइट आंसर देना है आपको। 25 का सही उत्तर, 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ पर सही दोस्तों ए और बी दोनों ठीक है, ईशापतन और मृगदाव। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, बताएं। 26 का सही उत्तर दीजिए, यूपी लेखपाल 2016 में पूछा गया था यह प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। जी हाँ, 26 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी ठीक है। 27 का राइट आंसर दीजिए, यूपी ट्रिपल एससी 2013 में पूछा गया था यह प्रश्न। 27 का राइट आंसर, जी हाँ 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 27 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी, यहाँ पर सही है मथुरा में ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, एक सेकंड देखिए 28 क्या कह रहा है यहाँ पर, टोपरा जो सहारनपुर तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, मोहम्मद गौरी या फिर सिकंदर लोधी। UPPCS 1996 में प्रश्न आया था। 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 का सही उत्तर दीजिए फटाफट। 28 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा आपका ठीक है, फिरोज शाह। अगला प्रश्न है देखिए सुमिलित करना है, 29 नंबर में सुमिलित करना है, तो इधर पे आपको महाजनपद दिए गए हैं, इधर उनकी राजधानी दी गई है, तो जनपद से उनकी राजधानी से मैच कराना है, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी कमेंट करिए। देखिए ये सीक्वेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैच करिए उसके बाद में जो आपका सीक्वेंस बनना है उसको सेलेक्ट करें। 29 का राइट आंसर दीजिए फटाफट, 29 जी हाँ, 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही। चलिए देखते हैं, मैच कर लेते हैं ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन का हो जाएगा ठीक है, यहाँ पर ए का जो है वो दूसरे से मैच हो जाएगा ठीक है, यानी कि चेदी जो है वो सुक्तिमती थी उसकी राजधानी चेती की, वत्स जो है यहाँ पर वत्स ठीक है, जो वत्स दिया गया है वो आपका नंबर 4 यानी कौसम्बी थी उसकी राजधानी, मल्ल जो यहाँ पर दिया गया है सी ऑप्शन पे उसका था यहाँ पर कुशीनार, मल्लों की राजधानी कुशीनगर या कुशीनार थी, सूरसेन की आपकी मथुरा थी, ऊपर क्वेश्चन आया ही था तो इसी तरह इसका सही है मैल। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था, ये काफ़ी बार पूछा जाता है प्रश्न ठीक है। 30 नंबर का राइट आंसर दें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर, 30 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी सही है दोस्तों, यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ठीक है, जिनको जौना खान के नाम से भी जाना जाता है ठीक है, जौनपुर उन्हीं के नाम पर बसाया गया था। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे, UPPCS 2014 में आया था, ऊपर UPSSSC 2014 में आया था। 31 का सही उत्तर दीजिए फटाफट, 31 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यहां पर सही है, सीतापुर से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था, 32 इंपॉर्टेंट है बताएं जल्दी जल्दी, चलिए जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 32 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, एक सेकंड ब्रश ऑन कर लेते हैं ठीक है, 32 का जो यहाँ पर सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ठीक है, कौन सा सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1018 से 1019 ईस्वी के मध्य में। अगला है देखिए 33 नंबर प्रश्न, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक पूछा जा रहा है, तो बताएं। 33 का राइट आंसर देखिए, 33 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है ठीक है, हुसैन शाह अंतिम शासक था जौनपुर का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 है देखिए, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया था,
बताएं 34 का राइट आंसर। 34 का सही उत्तर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था, तो 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, शाहजहां। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए गुप्त काल का टेराकोटा, ये शायद क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था तो इसको स्किप कर देते हैं। तो क्वेश्चन 34 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी के लिए बेसिकली ये क्वेश्चन सारे थे दोस्तों। ठीक है, तो उनको यहाँ पर डिस्कस कर दिए, ज़्यादातर यहाँ पर यूपी पीसीएस का जो पूछा गया था प्रश्न उसमें यहाँ पर डिस्कस किया मैंने। ऐसे ही और टॉपिक पर मैं यूपी जीके का और टॉपिक से टेस्ट करवाऊंगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद रात में हिंदी और जीके का लाइव मॉक टेस्ट होने वाला है, उसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन करें। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। और अगर आप यूपी पीसीएस या यूपी एसआई वगैरह की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाली मास्टर नोट जरूर खरीदिएगा। 59 रुपीज़ का लिंक सबसे ऊपर मिल जाएगा, उसके नीचे आपको यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के लिए स्पेशल खरीदना है तो ये वाली बुक खरीद सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और उसके नीचे आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी का जो रेलवे एग्जाम है उनके भी 59 रुपीज़ लास्ट डेट नोट्स लगे हुए हैं, उनको भी आप परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन में। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा।